नजीबाबाद में बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव बार हाल में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। शनिवार को बार संघ के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय कुमार शर्मा, सुरेश चंद्र गुप्ता, रोहिताज सिंह, हाजी इखलास अहमद, इखलास अहमद एडवोकेट, अतर सिंह एडवोकेट, सुल्तान अहमद, कामेंद्र सिंह एडवोकेट, एकता अग्रवाल आदि अधिवक्ता की देख रेख में मतदान सम्पन्न हुआ, जिसमें चुनाव अध्यक्ष पद के लिए नवाहार एडवोकेट व समीम अहमद एडवोकेट के बीच चुनाव हुआ। महासचिव पद के लिए इंतजार अहमद एडवोकेट व जितेंद्र राजपूत एडवोकेट के बीच चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद में वसीम अहमद ने 150 मत प्राप्त कर 13 वोटों से विजय प्राप्त की। वहीं महासचिव पद में इंतजार अहमद एडवोकेट 170 वोट प्राप्त कर 53 वोटों से विजयी हुए तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर नवाब अहमद एडवोकेट, अजहर अहमद एडवोकेट, साकिर अंसारी, अमर एडवोकेट, फैसल जिसान, आरिफ आसिफ हुसैन, इसरार एडवोकेट, नवाब एडवोकेट, सौरभ खान एडवोकेट, फहीम एडवोकेट आदि अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष व महासचिव को शुभकामनाएं दी। 24 न्यूज इन इंडिया वेब पोर्टल चैनल के लिए नजीबाबाद से सपना वर्मा की रिपोर्ट। मेरे छोटे भाई वसीम अहमद को मैं मुबारकबाद देता हूँ अध्यक्ष पद से जीतने के लिए। दूसरी तरफ हमारे इंतजार अहमद जो हैं सेक्रेटरी पद पर जीते हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ दोनों से, वसीम भाई से भी और इंतजार भाई से भी, कि भविष्य में दोनों मिलकर बार और बेंच के मधुर संबंध बनाए रखेंगे। और जो जी वसीम भाई, आप अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़े जी, जी थोड़ा आप बताइए अपने बारे में, कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं? मैं 3 बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ा हूँ, दूसरी बार चुनाव मैंने जीता है, ये 13 वोट से मेरी जीत हुई थी। मेरे सम्मानित साथी नवबहार सिंह के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था, जिसे सभी बार के सम्मानित साथियों ने मुझे अपना मत कीमती मत देकर विजयी बनाया है। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और वादा करता हूँ कि बार बेंच के संबंधों को हमेशा मधुर बनाए रखूँगा और वकील साथी के सम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा।